जय हिंद दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे सैलरी ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की कितनी सैलरी होती है इसके बारे में। और फ्रेंड, इस वाले यूट्यूब चैनल पे आपको इंडियन पुलिस और आर्मी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, छोटी से लेके बड़ी तक। तो वीडियो को लाइक कर देना अच्छे लगे, और तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो इंडियन आर्मी होती है तीन पार्ट में डिवाइड होती है, पहला कमीशन ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमीशन ऑफिसर, तीसरा नॉन कमीशन ऑफिसर। सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन ऑफिसर की सैलरी के बारे में। इसमें सबसे पहले जो रैंक होती है लेफ्टिनेंट की रैंक होती है, इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पर 2 स्टार बने होते हैं। और जो इनकी सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे इनका 5400 रुपये होता है, मिलिट्री सर्विस पे है जो 6000 रुपये मिलते हैं, और जो इन हैंड सैलरी है 68000 के अप्रॉक्स मिलता है। इसके बाद जो रैंक आती है कैप्टन की रैंक आती है, इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे 3 स्टार बने होते हैं, और जो इनका ग्रेड पे होता है 6100 रुपये होता है, मिलिट्री सर्विस पे जो होता है 6000 रुपये, और इन्हें सैलरी जो है 75000 के अप्रॉक्स मिलती है। और जो कैप्टन से ऊपर की पोस्ट होती है मेजर की पोस्ट है, और जो इनकी पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे अशोक का चिन्ह बना होता है इस तरह से। और जो इनके सैलरी की बात करें ग्रेड पे होता है 6600 रुपये, और जो है मिलिट्री सर्विस पे 6000 रुपये, और जो इनहैंड सैलरी बनती है इनकी 1 लाख के अप्रॉक्स बनती है पर मंथ। और जो मेजर से ऊँची पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह बना होता है, उसके नीचे 1 स्टार बना होता है। अब इनकी सैलरी की बात जो की जाए, इनका ग्रेड पे होता है 8000 रुपये, और जो है मिलिट्री सर्विस पे 6000 रुपये, और जो इनहैंड सैलरी है 1,12,000 के आसपास मिलती है। इससे ऊँची जो पोस्ट होती है वो होती है कर्नल की। कर्नल को CO या कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 2 स्टार होते हैं। अब इनकी सैलरी की बात की जाए तो जो इनका ग्रेड पे होता है 8700 रुपये, मिलिट्री सर्विस पे 6000 रुपये, और जो इनहैंड सैलरी है 1,30,000 के आसपास मिलती है पर मंथ। इससे जो ऊपर पोस्ट है वो होती है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की जो पहचान होती है इनकी वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 3 स्टार बने होते हैं। अब इनकी सैलरी की बात की जाए तो ग्रेड पे है 8900 रुपये मिलता है, और मिलिट्री सर्विस पे 6000 रुपये, और जो है पर मंथ इनहैंड सैलरी जो है 1,50,000 के आसपास मिलती है। और जो ब्रिगेडियर से ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है मेजर जनरल। इनकी जो पहचान होती है इनकी वर्दी की पट्टी पे 1 स्टार बना होता है, और उसके नीचे क्रॉस तलवार सी बनी होती है। और इनकी सैलरी की बात की जाए ग्रेड पे इनका 10000 रुपये होता है, और इनकी जो इनहैंड सैलरी है 1,80,000 रुपये के आसपास आती है पर मंथ। और जो मेजर जनरल से ऊँची पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे क्रॉस तलवार सी बनी होती है। अब इनकी सैलरी की बात की जाए तो इन्हें पर मंथ 2,25,000 रुपये इन हैंड मिलती है। और जिनसे ऊँची पोस्ट होती है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है जनरल की पोस्ट, इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। इनकी जो पहचान होती है वर्दी की पट्टी पे ऊपर अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 1 स्टार, और उसके नीचे एक क्रॉस तलवार सी बनी होती है। और जो इन्हें पर मंथ सैलरी मिलती है 2,50,000 रुपये मिलती है। तो फ्रेंड, ये थी इंडियन आर्मी की सैलरी की डिटेल। तो फ्रेंड, इस वाली वीडियो में मैं कमीशन ऑफिसर की सैलरी के बारे में डिटेल लाया था। नेक्स्ट वीडियो में जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की सैलरी की डिटेल भी लेके आऊँगा। और फ्रेंड, इन्हें जो है जो अलाउंस मिलता है वो बहुत एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, क्या क्या अलाउंस मिलता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो फ्रेंड, हालांकि जो इंडियन आर्मी में जाते हैं देश की सेवा के लिए जाते हैं, सैलरी के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए ये वीडियो में मैं सैलरी ऑफ इंडियन आर्मी लेके आया था। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड, जय हिंद, सल्यूट इंडियन आर्मी।